तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए अच्छे से दिन में। भाई साहब सुबह के 9 बज गए हैं और हम उठ के एकदम फ्रेश वगैरह हो गए हैं। एंड लास्ट नाइट थे हम इस प्यारे से घर में। यहाँ से चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे क्या मस्त भाई बारी है और हरे भरे बगीचे, सेबों के पेड़। और ये रहा जी सामने अपने जोनी भैया का घर। इस रूम में हम सोते हैं, क्या ही मस्त वाइब है इस रूम की। जब भी हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो कसम से थोड़ा सा पर्दा साइड करो और सुबह सुबह इस साइड के पीछे के माउंटेन का व्यू आता है, क्या मस्त जबरदस्त वाइब है ना। तो गाइस चलो अभी नहा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन्स रहते हैं पूरे दिन के। तो दोस्तों बढ़िया नहा के मैं पूरा घूम के आया हूँ गाँव। क्या मस्त वाइब है, सुबह सुबह बहुत आनंद आ रहा है। और मेरे पीछे आप चेकआउट करो, कितना खूबसूरत जगह है। आज हमारा दूसरा दिन है अपने दोस्त के घर पे। 2 दिन हो गए मैं इधर ही हूँ और इतनी मतलब इंजॉय वाली जगह है ना। तो यहाँ से अपने रूम से जो व्यू है तो आपका आप चेकआउट कर ही सकते हो, कितना मस्त व्यू है सामने है ना। तो अभी फ्रेश भी हो गए, नहा भी लिया, खाना खाएंगे, फिर इसके बाद निकलते हैं कहीं घूमने फिरने है ना। तो दोस्तों जोनी भाई वगैरह भी उठ चुके हैं और साफ सफाई पूरे रूम की कर दी है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, भाई जी थोड़ा लेट सोए थे। 2:30 बजे बता रहे हैं कि 2:30 बजे हम सोए थे, मैं थोड़ा जल्दी सो गया तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ फिर उस हिसाब से। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बढ़िया कम्बल कुम्बल सेट करके रख दिया अपने, कारपेट वगैरह पूरा चमका के रख दिया। और इस सामने से व्यू चेक करो जी, क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो बाकी भाई गए नहाने, जब भाई आते हैं वापस फिर देखते हैं हमारा क्या सीन्स रहते हैं, तो बता देंगे आपको भी है ना। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:30 का और यहाँ पे भाई जी आ चुके हैं चाय लेके। भाई जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई जी, कैसी रही रात आपकी? बढ़िया ना भाई जी, वैसे लेट सोए आप है ना? लेट सोए। कितने बजे सोए थे? मैं सोया कोई 2:30 बजे। 2:30 बजे, अरे बाप रे। तो मैं तो गाइस थोड़ा जल्दी सो गया था, तो चलो अभी भाई जी चाय लेके आए। बढ़िया, थैंक यू ब्रदर, पी लेते हैं चाय फिर देखते क्या सीन्स रहते हैं ना। तो दोस्तों आ चुका है हमारा खाना, आप देख पा रहे होंगे अचार है लिंगड़ी का, मिक्स वेज सब्जी है, दही है, साथ में रोटी है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हमने थोड़ी सी रेस्ट करी है और 4 बज गए। अब मैं और जोन भाई निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ प्लान है हमारा, घूमने चलते हैं, ऊपर ले चलते हैं आपको भी प्यारी सी जगह पे है ना। तो जुड़े रहे लास्ट तक ब्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिया करो यार। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 4:20, अभी हम घर से निकल रहे हैं मैं और जोनी भाई। जोनी भाई जाए कुछ काम से, मैं जा रहा हूँ आज कैंपिंग करने ऊपर हंटा वैली में, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो जुड़े रहे ब्लॉग में, अभी निकल रहे हैं बस घर से हम, और फिलहाल तो गुड बाय कर रहे हैं हम इस प्यारी सी लोकेशन को। आज चलते हैं टॉप एरिया में, नाइट कैंप करेंगे गाइज आज। तो गाइज हम जा ही रहे थे, जोनी भैया कैसे हो? बढ़िया भाई जी। जोनी भैया बढ़िया, तैयार होके आ गया। अच्छा आप कहाँ ले जा रहे हो अभी हमें? अभी जाएंगे हम हामटा पास। हामटा पास यहाँ से बहुत ऊपर है ना पीछे? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से आपके कोई 39 हेयर पिन बेंड्स हैं सारे, ये हो। और सारा ऑफ रोड, ऑफ रोड गुरखा का मजा आएगा। सही बात है। तो क्या खिला रहे हो वहाँ पे फिर ले जाके? वहाँ पे खाएंगे हम मेरे फ्रेंड के पिज्जा हट पे इटालियन पिज्जा। वाओ, तो चलो गाइज चलते हैं इटालियन पिज्जा खाने। भाई साहब आ चुके हम ऐसी लोकेशन पे, गाड़ी मैंने यहाँ पार्क करी है और भाई साहब हवा चल रही है बहुत तगड़ी। अब मैं जाऊँगा इस टॉप के ऊपर, वहाँ उतनी दुकानें वगैरह नहीं है, तो मैं थोड़ी सी हरी सब्जी अपने साथ ले जाऊँगा जो मैंने खाना है आज। बाकी वैसे सारा सामान मेरे पास है बट हरी सब्जी नहीं है, तो यहाँ से ले लेते हैं छोटे से। भाई साहब ऊपर तो मैं जा रहा हूँ पर मुझे लगता है ऊपर बहुत बारिश होगी। सामने अभी अभी देख सकते हो आप मौसम क्या ऐसा पैक हो गया और बहुत भयंकर हवा भी चल रही है गाइस, देखो। बाकी देखते हैं क्या रहता है। बोला ही था बारिश शुरू हो गई, देखो बहुत मोटी मोटी बुशार आ गई है बारिश की, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो वैसे तो मैंने यहाँ से टमाटर, हरी मिर्ची और नींबू वगैरह लिया है, क्योंकि अपने पास हरे मटर नहीं थे। भाई जी गए हैं पीछे हरे मटर लेने, और तब तक उसके बाद निकलते हैं।
सामने चेकआउट कर सकते हो आप। इस साइड हवा और बारिश का प्रकोप पूरा जारी है। ये कुछ हमारे गाड़ी के साइन बोर्ड ऐसे चल रहे हैं। मस्त व्यू रखा और हमने बहुत ऊपर जाना है जो कि सिंथन टॉप एंड हमटा वैली। काफ़ी ऊपर वहाँ नेटवर्क की थोड़ी इशू रहती है, मुझे नेटवर्क दे के अपना कैंप लगाना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों वैसे तो हमटा वैली जाने के लिए परमिट लगता है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो पीछे बैरियर है। भाई सारे लोकल है, भाई बोले कोई जरूरत नहीं है तेरे को परमिट की, हमारे साथ चल। सामने ऊपर आप देख पा रहे हो सिंथन टॉप और हमटा वैली। तो चलते हैं, भाई बैठे मेरे साथ फिलहाल, इसके बाद भाई मेरी वीडियो बनाएंगे बाइक पे बैठ के उल्टे, ठीक है। बिल्कुल भाई, ओके। टमास का रोड है और कुछ ऑफ रोड है, बहुत सारे मोड्स। कितने मोड है भाई? 30? हाँ जी, ज्यादा 30 प्लस है। 30 प्लस? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको भाई इस रोड पे? रोड का मजा आ रहा है आपको? रोड का फुल मजा आ रहा है। तो कुछ इस तरह का व्यू अभी ऊपर जाके दिखाएंगे, और क्लियर आएगा। हाँ सही बात है, आगे जाके और बहुत तगड़ी ग्रीनरी और बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस आने वाली है। तो जुड़े रहे लास्ट तक वीडियो में। और ऐसी कुछ मोड्स पे मोड है भाई साहब, चेक करो। दोस्तों रोड के काफी ऊपर आ गए हम। भाई जी मेरा फोन लेके थे अपनी बाइक से आगे और वीडियो बनाया उन्होंने मस्त, और ऐसी कुछ अपनी गाड़ी लग रही है। और सामने देखो जी ग्लैम्पिंग्स है, डोम टेंट वगैरह जो आप देख पा रहे होंगे। और हम शायद अभी ऊपर जाएंगे, भाई जी का जोनी भाई का दोस्त है, उनका अपना इटालियन पिज्जा हट है, तो वहाँ पे पिज्जा वगैरह खाएंगे पहले, है ना। तो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सिथन टॉप। यहाँ की वाइब चेक करो, क्या मस्त वाइब है ना। और अपनी गाड़ी में ऊपर लेके आया हूँ भाई साहब, बिना 4x4 लगा के चढ़ गई है ट्रेल जो आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया भाई जी ने यहाँ लगाई है। सामने ये इटालियन पिज़्ज़ा हट चलते हैं, यहाँ पे भाई जी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है तो खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे जी। तो ये कुछ ऐसी प्यारी सी लोकेशन है, भाई जी बताएंगे। भाई जी क्या है इस जगह का राज? सिथन विलेज है ये, ना जी? हाँ जी, हाँ जी। अब ये हमटा का लास्ट विलेज है, इससे आगे कोई विलेज नहीं है, ये लास्ट सिथन हाइट। वाओ, ये बिल्कुल टॉप एरिया पे है ना। बाकी ये जो एरिया आप जो दिख रहे हैं ना जी, इधर पीछे सारी स्नो बोर्डिंग होती है, स्नोवी टाइम पे। अच्छा, एक्टिविटी होती है यहाँ पे? एक्टिविटी नहीं जी, वो स्नो बोर्डिंग वगैरह, बोर्डिंग स्की वगैरह, हाँ वो करवाते हैं। बाकी ये भाई का अपना चेकआउट करो आप, इटालियन पिज्जा हट है। वाओ ग्रेट। हाँ जी, तो अभी आज तो ऐसा है दोस्तों, बारिश एकदम चल रही है, भाई जी को थोड़ा काम है, भाई जी जा रहे हैं नीचे, भाई जी स्पेशल मेरे लिए यहाँ ऊपर आए हैं 20-30 किलोमीटर, और मैं रहूँगा भाई जी के दोस्त के पास। और यहाँ पे हम खैर कैंपिंग करने वाले थे, भाई जी बोल रहे हैं यहाँ पे आप टेंट पिच कर सकते हो, बट यहाँ बारिश है। तो भाई जी ने बोला कि तू अकेला ही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भाई जी के टेंट लगाओ यार, भाई जी से मिलो, भाई जी आओ इधर। तो ये हमारे इस प्यारी सी प्रॉपर्टी के मालिक भाई जी का, आपका नाम बताओ। विजय भाई, और कैसे हो?
बाकी भाई से बाद में इन्फॉर्मेशन लेते हैं पूरी जो भी है ना, फिलहाल देख लेते नेक्स्ट। चलो भाई जी अभी टेंट दिखाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको इसमें चार्जिंग पॉइंट। चलो सही है, तो ये कुछ ऐसा आशियाना जी आज का हमारा। चलो थैंक यू जी। और ऐसी कुछ भाई वे जी शाम को मस्त कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया एक नंबर। पिज्जा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी भाई जी कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई, सुपर 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 से भी ऊपर। ये हमारा इटालियन पिज्जा है विजय भाई, ये हमारे शेफ मिस्टर विजय। तो दोस्तों 7 बज गए शाम के और ये देखो ये सामने ऐसा कुछ इटालियन पिज्जा हट है, यहाँ सामने खड़ी अपनी गाड़ी, मस्त व्यू है नहीं। ठीक है दोस्तों, भाई वगैरह जा रहे हैं, अभी जा रहे हो? हाँ सॉरी भाई जी, थोड़ा बिजी, थोड़ा काम के चक्कर में जाना पड़ रहा है। चलो कोई निकल नीचे मिलेंगे, जरूर 10 बजे के बाद आपसे मुलाकात होगी। चलो और जर्नी वहीं से स्टार्ट की जाएगी। चलो तो चलो आज मैं एंजॉय करता यहाँ पे है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ब्रदर, ओके मिलते हैं कल। हाँ बिल्कुल, नीचे आओगे जी। बाकी आपके लिए चलो आज देखते हैं आप कैसे करते हैं सर्वाइव आज का। नहीं सर्वाइव तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ब्रदर, ओके सर। सर्वाइव तो कोई चक्कर नहीं है, नॉर्मल है अपने लिए। तो दोस्तों मेरे दोस्त वगैरह तो चले गए, बट एक दोस्त मेरा और बन गया। चल आजा आजा, अब हम थोड़ा जा रहे हैं घूमने ऊपर इस साइड को, घूम के आते हैं थोड़ा सा मस्त। तो दोस्तों ऐसा कुछ नजारा है, शाम का टाइम है, आप देख पा रहे होंगे कैसा मस्त व्यू हो रखा है, और ऐसा कुछ सनसेट व्यू है, बहुत ही प्यारा है ना, जबरदस्त। वैसे तो आपको पता है मेरे पास सारा कैंपिंग सेटअप है, बट जो मेरे दोस्त हैं नीचे से अभी बुलेट पे गए हैं, जोनी भाई ने बोला है कि ये जोनी भाई के खास दोस्त है, तो इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, इनके पास 2 अल्पाइन टेंट लगे हुए हैं। तो भाई जी ने बोला अगर मेरे पास रात को कोई नहीं आएगा तो आप वहीं सोओगे, अगर कोई आता है तो आप अपना टेंट पिच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई ने जगह भी दिखा दी बढ़िया, और मैं ऐसी हसिंग वादियों में आज रहने वाला हूँ, मस्त भाई। वह सुबह की कल की वीडियो भी गाइस बहुत अच्छी आएगी है ना। तो 2 पिज्जे खिला दिए मेरे को भाइयों ने, भाई अब इच्छा नहीं है मेरा खाना खाने की, पर भाई जी बोल रहे मैं खाना खिलाऊंगा। 2 पिज्जे मैं जिंदगी में नहीं खाए, सही बताऊं मैं पिज्जा बहुत कम खाता हूं, तो भाई वगैरह आए थे तो खा लिया है ना, तो 2 पिज्जे से बड़ी मुश्किल से हमने खत्म करा चार बंदों ने। तो गाइस 7:40 हो गए और अंधेरा पड़ने वाला है, अब देख पा रहे हो सामने वाली रेंजेस बिल्कुल अभी अंधेरे में आ गई हैं, और यहाँ पे देखो जी अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो दोस्तों 8 बज गए हैं, जो यहाँ के ओनर है भाई साहब वो वहाँ पे लाइट फिट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे सामने, और इतना ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ नहीं है, तो हम अभी चलते हैं अंदर देखते हैं क्या सीन्स रहते हैं, फिर सोते हैं, इसके बाद खाना खा लेते हैं, फिर वीडियो एडिट करनी है मेरे को।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:30 का, भाई जी बना रहे हैं यहाँ पे मस्त पुलाव। यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया तड़का लग गया है, मटर भी हमने रख दिया और बासमती चावल थोड़े से डालेंगे। क्यों भाई जी? बढ़िया ना, तो बढ़िया भाई के साथ आज चिल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते कल एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।